डॉक्टर्स क्या बताते हैं दोस्तों कि हैंड प्रैक्टिस करना सही है, हेल्दी है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इस एक सेंटेंस को दिल में लगा के छोटे छोटे बच्चे हिलाते रहते हैं आज के डेट पे। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में टैब है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में लैपटॉप है और उनके हाथ में वो वेबसाइट भी पहुँच जाती है, वो स्क्रीन पर देखना भी शुरू करते हैं और उसी एज से ही वो हिलाना शुरू करते हैं। देखिए, डेफिनेटली डॉक्टर्स बताते हैं कि इट्स एब्सोल्युटली हेल्दी, बट जैसे तैसे नहीं। जिस एज में आपका जो प्राइवेट पार्ट है जब वो डेवलप कर रहा होता है, उसके वेन्स, उसके नर्व्स, वो ऑर्गन, उसकी कनेक्टिविटी, हर चीज़ जब डेवलप कर रही होती है, उस एज में अगर आप हैंड प्रैक्टिस की आदत लगा लेते हो तो वो डेफिनेटली आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। देखिए, एडल्ट एज में ना दो तरीके से मर्द जो होता है उसको इरेक्शन आता है। पहला होता है छूने से और दूसरा होता है सोचने से। जब आप किसी लड़की को छूते हो, स्पर्श होता है, यानी कि उसके साथ आप बिस्तर पर नहीं हो, नेचुरली आप बस पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, या फिर कोई आपके लिए अट्रैक्टिव लग रही है और उसके उसने आपको छू लिया, आपने उसको छू लिया, तो इस टच से भी आपको इरेक्शन आ सकता है। ये रहा पहला। और दूसरा जो टेक्निक होता है वो है सोचने से, यानी कि आप इमेजिन कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, किसी वीडियो के बारे में, किसी क्लिप के बारे में, या अपनी ही किसी मेमोरी को सोच रहे हो, उससे ही भी आपका इरेक्शन आ सकता है। ये दो तरीके से मर्द एडल्ट एज में इरेक्शन को डेवलप करते हैं, हासिल करते हैं। पर अगर आपका बहुत ही कम उम्र में आपने बहुत ज़्यादा हैंड प्रैक्टिस करो, आदि लगा लो, तो पहली बात की जो ऑटो इरेक्शन होता है ना, ऑटोमेटिक, यानी कि आप बिस्तर पे नहीं गए किसी फीमेल के साथ, आपने सिर्फ उसको छुआ या फिर आपने सोचा, तो इससे जो इरेक्शन आ रहा है ना, उसको डॉक्टर्स ऑटो इरेक्शन कहते हैं। और इसकी अगर आपको प्रॉब्लम हो जाए ना, तो इसको इजैकुलेटरी कॉम्प्लेक्स या रिफ्लेक्स कहा जाता है। तो इसकी प्रॉब्लम आपको हो जाती है, ऑटो इरेक्शन आपका नहीं आता है, आपको फिर बिस्तर पे जाके ज़बरदस्ती करते 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 फिर आपका इरेक्शन आता है। देखिए, बहुत ही छोटी उम्र में अगर आप बहुत गलत तरीके से हैंड प्रैक्टिस करते हो, यानी कि बहुत लोग होते हैं ना जो बिस्तर पे रगड़ के, अपने प्राइवेट पार्ट को रगड़ के, यानी कि जिसको प्रॉन तरीका कहा जाता है, उस तरीके से करते हैं, तो उस केस में भी उनके जो वेन्स होते हैं, उनके जो नर्व्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं ना, वो डैमेज हो जाता है और धीरे धीरे उनको इरेक्शन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और एडल्ट एज में आते आते वो इसको फेस करना शुरू कर देते हैं, शादी के बाद फिर इसके लिए उनको काफ़ी भुगतान का भुगतना पड़ता है। वीडियो अगले प्रॉब्लम के बारे में, देखिए, जब आप बहुत ही छोटी उम्र में ना बहुत गलत तरीके से, बहुत फ्रीक्वेंटली, बहुत ही हार्ड तरीके से हैंड प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, तो आपको पी की डेवलपमेंट होती है। देखिए, जब आपका इरेक्शन आता है ना, तभी आपका डिस्चार्ज नहीं होता है, आप स्टिमुलेशन देते हो, आप संतुष्ट होते हो, ये संतुष्टि जब पहुंचती है तो ब्रेन सिग्नल भेजता है, उसके बाद आपका डिस्चार्ज होता है और आप अपने कंट्रोल से फिर आगे डिस्चार्ज नहीं कर पाते हो। पर जब आप बहुत ज़्यादा करते हो किसी भी चीज़ को, बहुत फ्रीक्वेंटली करते हो ना, तो ब्रेन को आप ये सिग्नल भेजते हो और ट्रेन करते हो कि मुझे 10 मिनट के बाद डिस्चार्ज नहीं चाहिए, मुझे 1 मिनट में ही डिस्चार्ज चाहिए, क्योंकि आपको बार बार करना होता है ना, बार बार आप वो वीडियो देख रहे हो, बार बार करने का आपको मन करता है, खाली पीली बैठे हुए होते हो उस उम्र में, तो आप ब्रेन को क्या ट्रेन कर रहे हो कि आपको पीई की प्रॉब्लम बढ़ा दे, और ये आगे जाके इतना बुरी तरीके से डेवलप करता है कि इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, डॉक्टर्स अगर आपको बताते हैं ना कि हैंड प्रैक्टिस करो, ये एब्सोल्युटली हेल्दी होता है, तो डॉक्टर ये भी बताते हैं कि ये हेल्दी तभी होता है जब आप इसको हेल्दी तरीके से करो। 15-16 साल की उम्र में अगर आप फिजिकल रिलेशन में इन्वॉल्व हो सकते हो और वो बिल्कुल हेल्दी होता है, तो उस उम्र में आप हैंड प्रैक्टिस भी कर सकते हो, वो भी हेल्दी होता है। पर डेफिनेटली 15-16 साल की उम्र में तो आप दिन में 10-10 बार तो नहीं करोगे ना, बिस्तर पे तो नहीं जाओगे ना, या फिर उस उम्र में आप दिन में 10 बार खाना भी नहीं खाओगे, तो कुछ भी अगर उस उम्र में आप एक्सेसिव नहीं कर सकते, तो इस आदत को भी एक्सेसिव मत बनाओ। जब भी करो, दिल से करो, नीट के साथ करो, यानी कि अगर आपको मन कर रहा है तभी करो। लैपटॉप चला लिया, देख लिया पैंट के अंदर और हाथ डाल दिया और हिला लिया, ये मत करो,
इससे अल्टीमेट आगे जाके आपको बहुत बुरा नुकसान होता है, जिसका रिकवरी करना बहुत हार्ड भी हो जाता है। बहुत बार तो रिकवरी होता भी नहीं है और आप अपना पेशेंस लूज़ कर देते हो। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू, बाय।